हेलो गाइस, तो ये है मेरा डीकैथलॉन का ऑक्सेल ओके स्केटबोर्ड जो कि मैंने लिया था 4,000 रुपए में। अब मेरे को इसे चला चला के हो गए करीब करीब डेढ़ साल, एक से डेढ़ साल हो चुका है। तो मैं इसका रिव्यू बताना चाहता हूँ आपको, मतलब आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे कैसे इसके हाल हैं। और मैंने बहुत सारी सर्फेसेज में इसको चलाया है, मोस्टली इंडियन रोड्स में। और इसके टायर से आप हाल देख सकते हो, मतलब ये 100% से केवल 10% ही घिस रखे। और मैंने इसे सब पानी में और धूल में हर जगह चलाया है। और आप ट्रंक्स की क्वालिटीज़ भी देख सकते हैं इसके ट्रंक्स, जैसे कि मैंने रैलिंग से स्टंट्स मारे हैं, ड्यूरिंग स्टंट्स स्क्रैचेस पड़ते हैं, बट अभी भी प्लाई मेरी इतनी हार्ड है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। और ग्रिप टेप आप देख सकते हैं, जैसे कि एकदम ड्यूरेबल पक्की चीज़ है, एकदम मजबूत है पूरी की पूरी। और सबसे मेन चीज़ जिस स्केटबोर्ड का जो वेट है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है। अब ये वाला प्रोडक्ट तो डिसकंटिन्यू हो गया, बट इसको रिप्लेस इन्होंने किया है, वो बहुत अलग अलग आ चुके हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं डीकैथलॉन की साइड में। बस उनमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये 54 mm के हैं और अब उनमें है 52 mm के। और 7 layer सीट्स मिलती है हमको प्लाई की और बहुत ड्यूरेबल है, आप देख सकते हैं कैसे। को वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।